एनडीटीवी के शेयर होल्डर संजय दत्त जो कि डायरेक्टर थे कंपनी में और वो क्वांटम सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर ना सिर्फ रहे बल्कि वो दो कई साल तक एनडीटीवी के सलाहकार भी रहे। उन्होंने 2013 में एक चिट्ठी लिखी थी और आरबीआई को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि प्रणव राय ने 375 करोड़ रुपए इररेगुलर प्रमोटर से हासिल किए हैं, आरबीआई का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आरबीआई को चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन इसका जवाब उर्मिलेश जी ने दिया। जाहिर तौर पर उर्मिलेश जी एनडीटीवी से नहीं जुड़े हैं लेकिन यह सवाल एक देश की बड़ी पत्रकार सुचेता दलाल जो कि मनी लाइफ से जुड़ी हुई है उन्होंने एनडीटीवी से पूछा था। जवाब में एनडीटीवी ने उनको 1300 शब्दों का एक मेल भेजा लेकिन उस मेल में इसका इस सवाल का जवाब नहीं था बल्कि उस मेल में जो संजय दत्त हैं जिन्होंने सवाल उठाए उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की गई थी। तो यह किस तरह की पत्रकारिता और यह किस तरह का चरित्र है यह हमको दिखाता।